हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 10th of June 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को किस जिले के खोरी गांव में वन जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिमूव द इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड इन खोरी विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, दी इज द राइट आंसर। इसमें जो है 10,000 रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी आती हैं, 10,000 रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये जो है ये अरावली रेंज में आता है, अरावली रेंज फरीदाबाद में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस कंपनी के CSR शाखा ने हरियाणा और राजस्थान में कोविड देखभाल आइसोलेशन केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। विच कंपनी CSR आर्म हैज अनाउंस प्लान टू सेटअप कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर इन हरियाणा एंड राजस्थान। ऑप्शंस आर एस्कॉर्ट, मारुति, होंडा और ओमेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होंडा, सी इज द राइट आंसर। CSR क्या होता है? CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो होंडा ने ऐसा किया है। इसके लिए जो है होंडा देगा ₹6.5 करोड़। और ये जो है कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये जो है कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे हरियाणा, राजस्थान और इसके साथ साथ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। फोकस होगा मेडिकल सपोर्ट पे, फोकस ऑन मेडिकल सपोर्ट एंड केयर फॉर पेशेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज। ओके, इनिशियली ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है हरियाणा और राजस्थान से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, स्पॉट मार्केटिंग फर्म बेसलाइन वेंचर्स ने हाल ही में बॉक्सर पूजा रानी को अपने टैलेंट रोस्टर में शामिल किया है, वे किस जिले से हैं? स्पॉट मार्केटिंग फर्म बेसलाइन वेंचर हैव रिसेंटली एडेड बॉक्सर पूजा रानी टू देयर टैलेंट रोस्टर। शी इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन आर रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी और झज्जर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग करती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, सी इज द राइट आंसर। इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड इन 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये जो है इनका फोर्थ मेडल है चैंपियनशिप में, फोर्थ मेडल इन चैंपियनशिप। इससे पहले इन्होंने 2019 में जीता था गोल्ड, 2012 में सिल्वर और 2015 में ब्रॉन्ज मेडल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the National Vice President of BJP Minority Morcha? Options are Aftab Ahmed, Hamid Hussain, Chaudhary Zakir Hussain or Aftab Khan. तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है चौधरी जाकिर हुसैन को, सी इज द राइट आंसर। ये जो है मियो बीजेपी लीडर है, मियो बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर MLA है ये नू से, फॉर्मर MLA फ्रॉम नू। ओके, नू के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब बताया था कि जो मेजोरिटी है यहाँ पे वो मियोज की है, मियो जो है वो मुस्लिम्स हैं और एग्रीकल्चरिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। ओके, मुस्लिम एंड एग्रीकल्चरिस्ट। इनकी अपॉइंटमेंट जो है इंश्योर करेगी बेटर कम्युनिकेशन ऑफ इश्यू ऑफ स्टेट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मियोज टू द सेंटर। ये जो है साथ ही साथ जो चौधरी जाकिर हुसैन है
ये चौधरी है, चौधरी ने सोशल हेड है ऑफ ऑल द 36 कम्युनिटीज ऑफ मेवात, ऑफ ऑल 36 कम्युनिटीज ऑफ मेवात के सोशल हेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा सरकार द्वारा इग्नू से बीटेक डिग्री डिप्लोमा के लिए शैक्षणिक वर्ष तक नामित युवाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र वैध माने जाएंगे। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ यूथ इनरोल फॉर बीटेक डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू बाय हरियाणा गवर्नमेंट टिल द एकेडमिक ईयर विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकेडमिक ईयर 2009-10 तक जो है ये वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जो बीटेक का डिग्री डिप्लोमा है वो इग्नू के द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि जो डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग से ये कोर्सेज जो है पॉसिबल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने जो है डिस्कस किया है करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में, भाई उदय सिंह वॉज द लास्ट किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ऑप्शंस आर थानेसर, जींद, कैथल और पलवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथल, सी इज द राइट आंसर। भाई उदय सिंह जो है वो लास्ट किंग थे कैथल के। अब हम कैथल के बारे में बात कर लेते हैं। कैथल का नाम आया है कपी स्थल से, कपी स्थल से आया है। यहाँ पे अंजनी का टीला है, अंजनी का टीला। अंजनी जो है वो लॉर्ड हनुमान की मदर है, उन्हीं को ये टीला जो है डेडिकेटेड है। और यहाँ पे जो है रजिया सुल्तान की टॉम्ब है, रजिया सुल्तान टॉम्ब। रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुतमिश की बेटी थी। 13 नवंबर 1240 में उनको असेसिनेट कर दिया गया था। 13 नवंबर 1240 में उन्हें असेसिनेट कर दिया गया था विद हिज हस्बैंड, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द जहाज कोठी म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो जहाज कोठी म्यूजियम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शंस आर अम्बाला, हिसार, करनाल और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है रेजिडेंस रहा है जॉर्ज थॉमस का और जेम्स स्किनर का, रेजिडेंस ऑफ जॉर्ज थॉमस एंड जेम्स स्किनर। जॉर्ज थॉमस जो है वो नेटिव थे आयरलैंड के, नेटिव ऑफ आयरलैंड। इन्होंने रूल किया था एज अ अनक्राउंड रूलर टेरिटरी बिटवीन सिरसा एंड रोहतक। सिरसा और रोहतक के बीच में जो टेरिटरी आती थी, यहाँ की अनक्राउंड रूलर थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर श्री श्रीकांत बलगाड, के खंडेलवाल, श्रीमती दीप्ति उमा शंकर और श्री अशोक खेत्रपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है श्रीमती दीप्ति उमा शंकर, सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1974। 1974 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था टू प्रिजर्व द होलसम ऑफ वाटर, वाटर को प्रिजर्व करना। हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर आता है पंचकुला में, इसका हेडक्वार्टर आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जो है किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1998 में, सी इज द राइट आंसर। पर्टिकुलर डेट थी 17th of August, 17 अगस्त 1998 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसे एस्टैब्लिश किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी
कॉपरेट, इंडिपेंडेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट। एज पर द प्रोविजन ऑफ हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997, एज पर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997, ओके। और हरियाणा जो है सेकंड स्टेट था इंडिया में जिसने इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर सेक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऐप हैज बीन मेड बाय द हरियाणा पुलिस टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू वुमेन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ऑप्शंस आर दिव्य साथी, रक्षक, नारी शक्ति और दुर्गा शक्ति। तो इस ऐप का नाम है दुर्गा शक्ति, डी इज द राइट आंसर। दुर्गा शक्ति ऐप जो है ये अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल प्ले स्टोर पे। इसे डाउनलोड किया जा सकता है फॉर फ्री। कोई भी वुमेन यहाँ पे रजिस्टर कर सकती है इस ऐप पे और यहाँ से कॉल कर सकती है या फिर प्रेस कर सकती है अलर्ट बटन को। अलर्ट बटन प्रेस कर सकती है जो होम पेज पे अवेलेबल है ऐप की इन द केस ऑफ एमरजेंसी, ओके। और जो ये ऐप है दुर्गा शक्ति, इसने वोन किए हैं मल्टीपल अवार्ड्स एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन ओवर द ईयर। 2019 में से मिला था, 2019 में इन्होंने जीता था गवर्नेंस नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जिसे गवर्नेंस नाउ के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नेंस नाउ, नाउ की तरफ से ये अवार्ड मिला था। और अवार्ड को क्या था, गवर्नेंस नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। इसे स्कॉच ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था स्कॉच समिट में, स्कॉच ब्रॉन्ज अवार्ड। और साथ ही साथ आईटी एक्सीलेंस अवार्ड, आईटी एक्सीलेंस अवार्ड ये मिला था इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। अब देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है रिमूव करने का इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट लैंड खोरी विलेज के पास। ये कहाँ पे आता है, ये आता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अरावली रेंज में ये आता है फॉरेस्ट लैंड, अरावली रेंज। नेक्स्ट हमने बात किया था कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे एज CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। तो किसके द्वारा ये बनाए जाएंगे, ये होंडा के द्वारा बनाए जाएंगे। बेसलाइन वेंचर बॉक्सर पूजा रानी टैलेंट रोस्टर, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं पूजा रानी, ये बॉक्सर है और ये बिलोंग करती हैं भिवानी से। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के बनाए गए हैं चौधरी जाकिर हुसैन को, ओके। नेक्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा बीटेक डिग्री डिप्लोमा जो इग्नू के द्वारा इशू किया गया है फॉर द एकेडमिक ईयर 2009-10 तक। स्टैटिक जीके में अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बात की थी भाई उदय सिंह, ये लास्ट किंग थे कहाँ के, कैथल के। जहाज कोटी म्यूजियम ये आता है हिसार में। चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है श्रीमती दीप्ति उमाशंकर। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर, यहाँ पे करेक्शन है, 1998 में इसे जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हरियाणा पुलिस ऐप फॉर वुमेन वो है दुर्गा शक्ति। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।